हाय फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में अनयूजफुल एप्लीकेशन या व्हाट्सएप के थ्रू अनयूजफुल वीडियोज, इमेज आ जाने के चलते मोबाइल का रैम स्टोरेज काफ़ी कम हो जाता है, जिससे मोबाइल हैंग करने लगता है या फिर मोबाइल का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में मोबाइल के स्पीड को बढ़ाने के लिए उसे रीसेट करना पड़ता है, और रीसेट करने के कारण जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट होते हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाते हैं, और फिर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसी का चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को हमेशा के लिए ऑनलाइन सेव कर लें गूगल ड्राइव में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं गूगल ड्राइव पे, और पहले चलते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने पर ये इस तरह से ओपन हो रहा है। किसी एक को पुश करके सेलेक्ट कर लीजिए। एक को सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं ये ऊपर में आ रहा है ऑल का ऑप्शन। आप ऑल पे क्लिक करके सारे को सेलेक्ट कर लीजिए। देख रहे हैं कि 112 कॉन्टैक्ट्स हमारे मोबाइल में है और वो सब सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कॉर्नर पे देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर पे क्लिक कीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इसको शेयर इट के थ्रू किसी दूसरे मोबाइल में सेव कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप या शेयर इट से आप परमानेंटली सेव नहीं रख पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने ड्राइव में इसको परमानेंटली सेव कर लें। तो चलिए हम लोग ड्राइव में सेव करते हैं। तो ड्राइव में क्लिक कीजिए सेव टू ड्राइव। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है सेव, तो आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं ये अपलोडिंग चालू हो चुका है, प्रिपेयरिंग टू फाइल्स अपलोडेड। तो इस तरह से ये आपका फाइल जो ड्राइव है उसमें अपलोड होना चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या हमारा ड्राइव में ये सारे कॉन्टैक्ट्स अपलोड होना चालू हुआ है या नहीं, देखते हैं। तो इसके लिए ड्राइव में चलिए। ड्राइव में आने के बाद इसको ओपन किए। ओपन करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई, और नीचे आ रहा है लिखा हुआ कॉन्टैक्ट्स VCF। ये VCF फाइल के रूप में अपलोड होना चालू हो जाता है, लेकिन अभी अपलोड नहीं हो रहा है। ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या आप वाईफाई के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू। तो फिलहाल मैं अपने मोबाइल के इंटरनेट के थ्रू से अपलोड करूँगा, इसलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसको ओके करते ही देख रहे हैं वेटिंग टू अपलोड दिखा रहा है। अब ये अपलोड हो चुका है, देख रहे हैं। अब ये कहीं नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखा आ गया, नीचे आ गया कॉन्टैक्ट्स VCF। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लोडिंग हो रहा है। तो ये सारे नंबर जो मेरे मोबाइल कॉन्टैक्ट्स था वो सब हमारे ड्राइव में अब हमेशा के लिए सेव हो चुका है। मैं चाहूँ तो कभी भी इसे अपने यूज में ला सकता हूँ, चाहे मोबाइल रीसेट कर दूँ या कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को आप हमेशा के लिए सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।